इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर। सो इट इंक्लूड्स मसल्स ऑफ द फ्लोर ऑफ द पेल्विस। पेल्विस की फ्लोर के जो मसल्स हैं, पेल्विस के बेस के जो मसल्स हैं, पेल्विस के आउटलेट के वहाँ पे जो मसल्स जो रहते हैं उन्हें मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर कहते हैं। एंड दे सपोर्ट द पेल्विक ऑर्गन्स। पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। एंड इट रेसिस्ट द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड डेफिकेशन। यूरिनेशन और डेफिकेशन के दौरान जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो जब बढ़ जाते हैं तो उसको रेसिस्ट करने, उसको होल्ड करने, कंटेन करने में भी ये मसल्स मदद करते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कॉन्टिनेंस। कॉन्टिनेंस मेंटेन करने में यूरिनेशन और डेफिकेशन को रेगुलेट करने और फीसस और यूरिन को होल्ड करने वगैरह में मदद करते हैं, क्योंकि वहाँ के स्फिंक्टर्स इन्हीं स्केलेटल मसल से बने हैं। तो ये इट मेंटेन्स कॉन्टिनेंस। एंड इसमें जो मसल्स जो मेनली जो इम्पोर्टेंट मसल्स है वो है लेवेटर एनी मसल एंड कॉक्सीजस मसल्स। दीज आर द टू इम्पोर्टेंट मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर, लेवेटर एनी एंड कॉक्सीजस। ये है मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर। डिस्कस करें लेवेटर एनी के बारे में। दिस फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विक फ्लोर। सो दिस इज़ द मसल ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विक फ्लोर। ये लेवेटर एनी एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विक फ्लोर। ये यहाँ पे सैक्रम है, सैक्रम पोस्टीरियर पार्ट हो गया। तो यहाँ पे प्यूबिक बोन है, तो ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर है। तो इस एंटीरियर पार्ट पे जो मसल है वो है लेवेटर एनी। लेवेटर एनी फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विक फ्लोर। इट इंक्लूड्स प्यूबोकॉक्सीजस एंड इलियोकॉक्सीजस। प्यूबोकॉक्सीजस एंड इलियोकॉक्सीजस। प्यूबोकॉक्सीजस और इलियोकॉक्सीजस ये दोनों मिलके लेवेटर एनी कहते हैं। प्यूबोकॉक्सीजस यहाँ पे है और इलियोकॉक्सीजस इस पार्ट में है। ये दोनों मिलके इट फॉर्म्स द लेवेटर एनी मसल। प्यूबोकॉक्सीजस, प्यूबो मीन्स प्यूबिक बोन। इट अराइजेस फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ द प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन की इनर सरफेस से स्टार्ट हो रहा है, हिप बोन के प्यूबिक बोन के इनर सरफेस से स्टार्ट हो रहा है। एंड इज इंसर्टेड अटैच टू द कॉकिक्स। प्यूबोकॉक्सीजस, प्यूबोकॉक्सीजस ये यहाँ पे प्यूबिक बोन है, प्यूबिक बोन की इनर सरफेस से स्टार्ट हो रहा है। एंड इज अटैच टू द गेटिंग अटैच टू द कॉकिक्स। यहाँ पे कॉकिक्स है, ये सैक्रम है और कॉकिक्स से अटैच हो रहा है, तो वो उन्हें प्यूबोकॉक्सीजस कहते हैं। प्यूबोकॉक्सीजस मसल इनर सरफेस ऑफ द प्यूबिक बोन से स्टार्ट होकर कॉकिक से अटैच हो रहा है। एंड इलियोकॉक्सीजस राइजेस फ्रॉम द इलियम ऑफ द हिप बोन। हिप बोन की इलियम से स्टार्ट हो रहा है एंड इज इंसर्टेड टू द कॉकिक्स। इलियोकॉक्सीजस जो इलियम से स्टार्ट हो रहा है, इलियम से स्टार्ट होकर कॉकिक्स से अटैच होगा, तो उसको इलियोकॉक्सीजस कहते हैं। इलियोकॉक्सीजस ये दोनों मिल के लेवेटर एनी बनते हैं। सो इट सपोर्ट द पेल्विक ऑर्गन्स। ये पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट करके एक स्लिंग की तरह काम करते हैं, और इसके अंदर ये पेल्विक कैविटी के ऑर्गन्स रहते हैं एंड दे सपोर्ट देम। ये मसल पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है कॉक्सीजस। दिस इज प्रेजेंट बिहाइंड द लेवेटर एनी। लेवेटर एनी के भी पीछे है, लेवेटर एनी के पीछे कॉक्सीजस है, आप देख सकते हैं। कॉक्सीजस इस पार्ट में है। तो कॉक्सीजस मसल विच इज़ प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द लेवेटर एनी एंड इट अराइज फ्रॉम द मीडियल सरफेस ऑफ द इशियम। इशियम से स्टार्ट हो रहा है एंड इज इंसर्टेड टू द सैक्रम एंड कॉकिक्स। सो इशियम से स्टार्ट होगा, इशियम जो लोअर पार्ट है, यहाँ पर इलियम है, उसके भी नीचे है इशियम। इशियम से स्टार्ट होगा और कॉकिक्स और सैक्रम से वो अटैच होगा, उसे कॉक्सीजस कहते हैं। दिस इज प्रेजेंट पोस्टीरियर या बिहाइंड द लेवेटर एनी। लेवेटर एनी के पीछे है। अराइजेस फ्रॉम द मीडियल सरफेस ऑफ द इशियम एंड इज अटैच टू द सैक्रम एंड कॉकिक्स। ये था दो इम्पॉर्टेंट जो मसल्स जो
मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर में है। ओके, लेवेटर राइनी एंड कॉक्सीजेस। लेवेटर राइनी में पीपोकॉक्सीजेस एंड इलियोकॉक्सीजेस है।